ध्यान दीजिए हमारी तरफ। फिलों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, डिप्लोब्लास्टिक और सिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं वो भी हमने पढ़ लिया। यहाँ पर ये वाले पॉइंट्स जो हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं इसको जरूर आप लोग मेंशन कर लेना अपनी कॉपी पर। द फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जो होता है वो होता है हमारा आर्थ्रोपोडा, सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो होता है वो होता है हमारा मोलस्का, एंड थर्ड लार्जेस्ट फाइलम जो होता है वो हमारा होता है प्रोटोजोआ। ये तीनों पॉइंट्स आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें हम आपको बाद में लिखवाएंगे, जो यहाँ पर लिखी हुई है ये सारी चीजें, ये सारी चीजें हम बाद में करवाएंगे, ठीक है। बल्कि पहले चीजें लिख लीजिए वाली। चलो आगे जो हम बताने वाले हैं इसकी तरफ ध्यान दीजिए। आगे वाली बात यह है, यहाँ पर हम बात करेंगे बेटा बॉडी प्लान की। इसकी बॉडी प्लान की बात करेंगे तो बॉडी प्लान जो होता है यहाँ पर बेटा तीन टाइप का बॉडी प्लान होता है। एक तो होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, एक बॉडी प्लान आपका होता है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान, सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान। दूसरा होता है आपका ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। और तीसरा होता है आपका ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। देखिए जब भी कभी हम सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान की बात करते हैं तो बेटा सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान में देखिए जो हमारी सेल्स होती हैं वो ढेर सारी सेल्स आपस में लूजली अरेंज होती हैं, ठीक है। इसमें लिख सकते हैं सेल्स आर लूजली अरेंज, ठीक है, सेल्स आर लूजली अरेंज। और इसका बेस्ट एग्जांपल है वो है आपका स्पॉन्जिल यानी कि पोरिफेरम। जो पोरिफेरा होता है वो आपका सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान के होते हैं। इसके बाद बेटा आपका था ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान, इसकी तरफ ध्यान दीजिए, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टर्म है ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान का मतलब क्या होता है कि जैसे ये कोई एनिमल है, ये कोई एनिमल है, ये देखिए ये कोई एनिमल है, ठीक। जैसे मैंने ये जो बनाया है ये हाइड्रा का कट सेक्शन, इसमें ये सिंगल ओपनिंग दिखाई पड़ रही है, क्या दिख रहा है, ये सिंगल ओपनिंग दिखाई पड़ रही है, वो तो वही यहाँ पर समय से पहले किया था, ये सिंगल ओपनिंग दिखाई पड़ रही है। और ये सिंगल ओपनिंग जो है बेटा ये एंट्री का भी काम करेगी और जब डाइजेशन मटेरियल डाइजेशन हो जाएगा तो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर निकालने का भी काम करेगी। तो मतलब ये एंट्री का भी काम करे ये सिंगल ओपनिंग, और यही सिंगल ओपनिंग जो है एग्जिट का भी काम करे। मतलब ठीक एक ऐसा कमरा आपके पास है, ये देखो ये एक ऐसा कमरा आपके पास है। इस कमरे की खासियत ये है कि इस कमरे में आप ये एक ही दरवाजा है और इसी दरवाजे से आप अंदर भी आते हो, यहाँ रहते हो, घूमते हो, खाते हो, पीते हो, और इसी दरवाजे से आप बाहर जाते हो, ठीक है, इसी दरवाजे से आप बाहर भी आते हो। तो यहाँ पर when when a single opening acts as both mouth and anus, ठीक है। इस टाइप का जो बॉडी प्लान होता है ये हमारा बॉडी प्लान ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान कहलाता है। ब्लाइंड सैक मतलब ये एक तरफ जो है एक साइड में चीजें क्या होती है बिल्कुल ब्लाइंड है, इसको हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। इज इट क्लियर? इसका जो बेस्ट एग्जांपल है, एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल में आपका आता है सिलेंट्रेट एंड प्लेटी हेलमेंट।
एग्जाम्पल है हाँ फिलेंट्रेट एंड लैटी हेलमेंट्री। फिलेंट्रेट एंड लैटी हेलमेंट्री ठीक। जल्दी से करो सर। हो गया अच्छा। देखो इधर नेक्स्ट है आपका सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान हो गया, ब्लाइंड सेक हो गया। अब हम बात करेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब। नाम से क्लियर है ट्यूब के अंदर ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब। तो ये जो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है इसके अंदर आप ऐसे समझ सकते हैं, पहले आप लिखना ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान ठीक है। कैसे जैसे मान लीजिए कि मशीन है, यहाँ पर ये इसका डाइजेस्टिव ये वाली जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं माउथ, ये वाली जो ओपनिंग है इसको हम बोलते हैं मतलब जहां पर एंट्री अलग हो और एग्जिट पॉइंट अलग हो। इस टाइप का जो बॉडी प्लान होता है उसको हम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहते हैं ठीक है। इसका मतलब एनिमल्स हैविंग द कंप्लीट डाइजेस्टिव है, एनिमल्स हैविंग कंप्लीट डाइजेस्टिव ठीक है, विथ सेपरेट माउथ एंड एनस। विथ सेपरेट माउथ एंड एनस। इसका जो एग्जांपल है वो आपका नेमाटोडा से लेकर के वहां तक और डेटा आता ठीक है। बोलिए हो गया है। क्या बेटे हो गया जल्दी करो। क्या हो गया देखो दूसरा आता है आपका सेगमेंटेशन। जैसे क्राइटेरिया ही है हमारे, क्या होता है सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर छोटे छोटे सेगमेंट ठीक है।
पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन या इसको हम बोलते हैं मेटामेरिज। इस चीज आप ध्यान दीजिएगा कि ये जो पिगमेंटेशन होता है ये दो टाइप का होता है। क्या होता है बेटा, ये दो टाइप का। एक पिगमेंटेशन जो होता है वो बाइबर्स होता है, मतलब पैदाइशी होता है। नंबर ऑफ बॉडी पिगमेंट जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। और एक पिगमेंटेशन जो होता है वो आफ्टर बर्थ होता है। आफ्टर बर्थ का मतलब क्या होता है, बच्चे जब पैदा हो रहा है तब तो पिगमेंटेशन नहीं, लेकिन पैदा होने के बाद उसकी बॉडी में पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल, जो बाइबर पिगमेंटेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, जो बाइबर पिगमेंटेशन होता है उसको हम बोलते हैं मेटामेरिक पिगमेंटेशन या मेटामेरिज्म। और जो आफ्टर बर्थ होता है उसको हम बोलते हैं सीडो मेटामेरिज्म, सीडो मेटामेरिज्म। ध्यान दीजिए क्या हमने कहा, सीडो मेटामेरिज्म। ठीक, अब जैसे यहाँ पर जो मेटामेरिज सेगमेंटेशन है, फॉर एग्जांपल जब आप पैदा हुए तो आपके शरीर में हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन का एरिया था कि नहीं था। लेकिन ऐसा नहीं है कि जब हम पैदा हुए तो हमारे शरीर में सिर्फ सिर था, पेट बाद में बना। जब हम पैदा हुए तो हमारा हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन के अगले तीनों मौजूद। तो इस तरीके से हमारे अंदर जो सेगमेंटेशन है वो कब है, वो बाय बर्थ है। इसलिए हमारी बॉडी भी क्या मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। अब जैसे ये सेगमेंटेशन जो होता है वो पाया जाता है किसके अंदर, बहुत ही प्रोमिनेंट पाया जाता है एनिलिड्स, एनिलिड्स स्पेशली किसमें, अर्थवर्म में, किसमें, लीच में। इसके अंदर बड़ा प्रोमिनेंट जो है सेगमेंटेशन पाया जाता है। इसके अलावा आर्थ्रोपोडा में और आपके कॉर्डेट्स में, आपके कॉर्डेट्स में। जरूरी नहीं है सबकी बॉडी सेगमेंटेड ही हो, सेगमेंट में बटी हुई हो, लेकिन ये जो सीडो मेटामेरिज्म है इससे एग्जाम में एक नहीं कई बार सवाल पूछा गया है। सीडो मेटामेरिज्म की कहानी जो होती है ये शुरू होती है आपकी प्लेटीहेलमिंथेसिस के टेपवर्म से, प्लेटीहेलमिंथेसिस के बेटा टेपवर्म से शुरू होती है। ये प्लेटीहेलमिंथेसिस के टेपवर्म से शुरू होती है। होता क्या है इसमें जरा सा गौर करिएगा, अगर हो गया अपने आगे चलो। क्या हो गया, देखिए टीनियस सोलियम की जब बात करते हैं तो टीनियस सोलियम में ये इसका जो ये होता है इसका हेड, जो टीनियस सोलियम का क्या होता है ये हेड, इस हेड में ये ऊपर की तरफ जो है आपको मिलता है रॉसेलर, इसके अंदर हुक, दो रोम में इसको हम रॉसेलर हुक कहते हैं।
और यहाँ पर पाया तो इस यहाँ पर और एक दो तीन आपको दिख रहा है, तीन एक इसके पीछे होता है, ठीक है, इसके पीछे एक होता है, यहाँ पर एक जो इसके ठीक पीछे होता है, जैसे ये है ना तुम्हारा, मान लीजिए इस तरह है ना, इस तरह देखना, एक सकर कहाँ पर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है और एक इसके पीछे है, यहाँ ये चार, जैसे आप सिक्का लेते हो ना पांच को, उसमें आपको तीन ही शेयर दिखाई पड़े, चौथा ठीक पीछे हो, इसको सकर बोलते हैं। तो शुरुआत में यहाँ से आपको देखने मिलता है कि ये हेड है और यहाँ से इसका शुरू होता है, ये रीजन होता है इसको, ध्यान देना, ये रीजन इसका क्या कहलाता है बेटा, हेड, ये रीजन फोकस करने के, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोबिला। तो बेटा स्ट्रोबिला में क्या होता है, कंटिन्यूअस डिवीजन होता है, जब कंटिन्यूअस डिवीजन होता है तो डिवीजन की वजह से इसकी इसकी लंबाई धीरे 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 बहुत बढ़ती जाती है, इस तरीके इसकी लंबाई जो होती है इस तरीके से इसकी लंबाई बढ़ती जाती है। जब पैदा हुआ था ये, मतलब अंडे से जब बाहर आया था, तब तो सिर्फ ये इतना ही था, ठीक है, ये जो लंबाई आपको दिख रही है यहाँ से यहाँ तक, ये पैदा होने के बाद, और ये जो है छोटे छोटे सेगमेंट में बटी हुई है ऐसे, ये सेगमेंट में बटी हुई है, ठीक है बेटे। तो सेगमेंटेशन यहाँ भी है, सेगमेंटेशन अर्थवर्म में भी है, लेकिन अर्थवर्म का सेगमेंटेशन बाई बर्थ है, लेकिन इसका सेगमेंटेशन आफ्टर बर्थ हो रहा है, इसलिए इसको हम स्टीडो मेटामेरिज्म कहते हैं और अर्थवर्म वालों को हम ट्रू मेटामेरिज्म कहते हैं, ठीक है। और इसके हर एक सेगमेंट को, इसके हर एक सेगमेंट को ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, इसके हर एक सेगमेंट को हम बोलते हैं प्रोग्लॉटिड, क्या कहते हैं इसको हम, प्रोग्लॉटिड। ये प्रोग्लॉटिड तीन टाइप का होता है, कौन कौन सा, एक होता है इमैच्योर, दूसरा होता है मैच्योर और तीसरा होता है ग्रेविड। ठीक है, ये मैं जब सीनियर को पढ़ाऊंगा तो वहां पर एक एक के बारे में बताऊंगा कि जो इमेच्योर होता है उसके अंदर पहले मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डेवलपमेंट शुरू होता है, मैच्योर वाले में मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पूरा डेवलपमेंट हो चुका होता है, ग्रेविड वाले सेगमेंट में क्या होता है, ग्रेविड का मतलब होता है पका हुआ, ठीक है, ये सेक्सुअली मैच्योर होता है, और ग्रेविड प्रोग्लॉटिड में जो होता है वहां पर ढेर सारे एग्स मौजूद होते हैं इसके अंदर, ठीक है। और क्योंकि ये जब भी लेटे आखिरी वाले जो सेगमेंट की बात करते हैं, इसके 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 इन सेगमेंट्स की बात करते हैं, तो एक्चुअल में ये जो सेगमेंट्स हमारे होते हैं ये आपके ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होते हैं, ये सब ग्रेविड प्रोग्लॉटिड होते हैं, ग्रेविड। अब यही ग्रेविड प्रोग्लॉटिड क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में जान ही लीजिए हम, क्योंकि ये हम जो बना रहे हैं ये है आपका टेपवर्म, यानी कि ये है आपका टीनियस सोडियम, और क्योंकि हम जानते हैं टीनियस सोडियम आपका एक एंडो पैरासाइट है हमारे इंटेस्टिन का, ये एक एंडो पैरासाइट है कहाँ पर, हमारे इंटेस्टिन में पाया जाता है, स्पेशली ये स्मॉल और लार्ज हर जगह पर पाया जाता है। जब जो है ये कंप्लीट ग्रेविड प्रोग्लॉटिड बन जाता है ना, तब ये ग्रेविड प्रोग्लॉटिड जो है बेटा रिमूव हो करके अपनी मेन बॉडी से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है, अलग होने के बाद ये जो पेशेंट होता है पेशेंट के फीकल मटेरियल के साथ, यानी उसकी लेटरिन के साथ ये बाहर निकल जाता है, और इसका शेप कैसे दिखाई पड़ता है, जैसे कद्दू का बीज होता है ना, कद्दू का सीड ऐसे इस तरीके से दिखाई पड़ता है। तो आम भाषा में ऐसी बीमारी को पहले क्या कहा जाता था, कद्दू दाना, हिंदी में इसको हम कद्दू दाना कहते हैं। एक्चुअल में ये क्या है, ये है टीनियसिस,
चीज जो हो रही है इसको हम बोलते हैं टीनियसिस, ठीक है। तो यानी यहाँ पर एक चीज बताने का जो मेन पर्पज है वो ये है कि व्हेन ग्रेविटी प्रोग्लॉटिस डिटैच्ड फ्रॉम द मेन बॉडी सच फेनोमेना इज नोन एज द एपोलिसिस। क्या कहेंगे? एपोलिसिस। इस पॉइंट को आप यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा, ग्रेविट सेगमेंट का डिटैचमेंट होगा, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एपोलिसिस, ठीक है। इस प्रोसेस को हम एपोलिसिस बोलते हैं। इस तरीके के ये जो सेगमेंटेशन है यह है आपका सीडोमेटामेरिज्म। बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, डिसीज को क्या कहते हैं उसकी को? लिख देना सर। लिख लिया था, देखो तो हमने लिखा। अगर किसी वर्ड के आगे प्रीफिक्स के तौर पर प्रो लगाओ तो क्या बोलोगे उससे? बात सुनो हमारी, अगर किसी वर्ड के पहले प्रीफिक्स के तौर पर प्रो लगाओ इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्रिमिटिव, पहले। इसका मतलब होता है प्रिमिटिव या पहले। तो यहाँ पर ये जो इसका प्रोग्लॉटिड है ना, ये वाला जो शुरुआत का होता है इमेच्योर जो रहता है, तो हमारा जो टीनिया सोलियम है ना, ये टीनिया सोलियम बाइसेक्सुअल होता है, समझे? क्या होता है? बाइसेक्सुअल होता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एक ही जो है एनिमल के अंदर पाए जाते हैं। तो ये जो हमारा टीनिया सोलियम है एक्चुअल में ये होता है प्रोटेंड्रस। एंड्रस वर्ड आया कहां से? मेल पार्ट से। एंड्रस वर्ड आया मेल से, एंड्रोजन से एंड्रस आया। ये एंड्रस का मतलब होता है मेल, ठीक है। और प्रो का मतलब क्या होता है? प्रो का मतलब होता है फर्स्ट, प्रीमिटिव। कल पढ़ा था ना प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरियम में पढ़ाया था ना फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट मेल का जब रिप्रोडक्टिव पार्ट डेवलप होता है तब हम उसको प्रोटेंड्रस कहते हैं, ठीक। और अगर फीमेल का होता है तो हम उसको प्रोटोगाइनी कहते हैं। तो टीनिया सोलिया हमारा कैसा होता है बेटा? प्रोटेंड्रस। और ये टीनिया सोलिया हमारा बाइसेक्सुअल होता है, बाइसेक्सुअल होता है। और इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन इसके अंदर सेल्फ, सारी बातें लिख लो, बहुत काम आने वाली चीज है। हो गया बेटे? जैसे मेटामेरिज्म वाली मरीन सियाटी क्या कह रही है? मरीन सियाटी क्या कह रही है? इन सम एनिमल द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू अ सेगमेंट
विद अ सीरियल रेपिटेशन ऑफ द एटलीस्ट सम ऑर्गन. सीरियल रेपिटेशन होता है ऑर्गन का, फॉर एग्जाम्पल नेपथोन. द बॉडी शोज दिस पैटर्न लाइक मेटामेरिक सिग्नेचर. और हर एक सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेटामर कहते हैं. ये लिख लीजिएगा, ईच सेगमेंट इज कॉल्ड मेटामर. ठीक है. नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड इज अ मेसोडर्मली डेराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर formed on the dorsal side during the embryonic development in some animals. Animals with notochord are called the chordates, and those animals which do not form this structure are called notochord or are called non-chordates. For example, Polyphera to Echinoderm. बहुत आसानी से इसमें भी कह दिया कि ये ऐसा होता है. ठीक है, देखिए कैसे. Just a second. तो पहली चीज तो ये पोजीशन देखिए, ये पोजीशन इसके माउथ वाला है, ये पोजीशन इसके क्या टेल वाला है. तो इस पोजीशन को जनरली हम क्या बोलते हैं मालूम है, पहले पोजीशन को समझ लीजिए. है पोजीशन है माउथ की तरफ जो पोजीशन होता है उस पोजीशन को हम बोलते हैं एंटीरियर. टेल की तरफ जो पोजीशन होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर. ठीक है. ऊपर की तरफ जो पीठ की तरफ पोजीशन होता है उसको हम बोलते हैं बेटा डॉर्सल. डॉर्सल के नीचे जो होता है उस पोजीशन को हम कहते हैं वेंट्रल. ठीक है, क्या कहते हैं, वेंट्रल. ये पोजीशन. अब जैसे हमारा माउथ है ये डॉर्सल, पीछे पैर की तरफ है, सॉरी माउथ है हमारा ये कौन सा, एंटीरियर है. ये हमारा एंटीरियर है, पैर की तरफ हमारा पोस्टीरियर. ये हमारा क्या हुआ, वेंट्रल हुआ. ये हमारा हुआ पीछे की तरफ, हमारा डॉर्सल हुआ पीठ की तरफ. ये हमारा वेंट्रल. ठीक है, हमारा सीने की तरफ जो होगा वेंट्रल होगा, पीठ की तरफ जो होगा वो डॉर्सल होगा. और साइड साइड जो होगा ये वाला, इसका हम क्या बोलेंगे, लैटरल कहेंगे. दिस वन इज लैटरल पोजीशन. अब देखिए यहाँ पर ये जो नोटोकॉर्ड होता है ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसा कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है. ये मेसोडर्मल ओरिजिन का होता है. ठीक है, डॉर्सल साइड में होता है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एनिमल. तो ये देखिए ये पीछे की तरफ यहाँ पर ये डॉर्सल साइड पर पाया जाता है नोटोकॉर्ड. ठीक है, ये दिख रहा है नोटोकॉर्ड डॉर्सल साइड पर पाया जा रहा है, ये ब्लैक वाला ये नोटोकॉर्ड है. जिस एनिमल के अंदर ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहेगा उसको हम कॉर्डेट कहेंगे, जिसके अंदर नहीं रहेगा उसको हम नॉन कॉर्डेट कहेंगे. ये बात समझिए. इसके अलावा पीछे की तरफ ये नर्वस स्ट्रक्चर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा, नर्व कॉर्ड कहते हैं. क्या बोलते हैं, नर्व कॉर्ड कहते हैं. जो कॉर्डेटा होता है, कॉर्डेटा के अंदर नर्व कॉर्ड जो होता है वो डॉर्सल साइड पे पाया जाता है. जैसे हमारा आपका स्पाइनल कॉर्ड है जो किधर पाया जा रहा है, ये पाया जा रहा है आपके डॉर्सल साइड पर. ठीक है, लेकिन लेकिन जो हमारे नॉन कॉर्डेट होते हैं उनका नर्व कॉर्ड डॉर्सल पर नहीं बल्कि वेंट्रल पर पाया जाता है. ये जो एरिया दिख रहा है ये आपको माउथ से रिप्रेजेंट करता है. ये फेरिंजियल गिल स्लिट्स हैं ये वाली साइड में. ठीक है, और ये क्या है, माउथ. और ये जो है मसल, ये जो है ये टेल है. टेल रीजन पर आपको ये मसल के सेगमेंट्स दिखाई पड़ते हैं जिसको मायोटोम्स कहते हैं. बट आप सीधा सीधा सा फोकस आपका अभी इतना है कि अभी आप नॉन कॉर्डेट पढ़ रहे हो, उसमें आपको ये बताना है कि ये जो नोटोकॉर्ड है, अगर नोटोकॉर्ड अगर है तब तो वो कॉर्डेट है, अगर नोटोकॉर्ड नहीं है तब वो आपका नॉन कॉर्डेट है. ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि नॉन कॉर्डेट आपका क्या है बेटा, नॉन कॉर्डेट. ये जो हमारा नॉन कॉर्डेट है इसमें आप लिखेंगे कि एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड. ये है आपका एनिमल्स विदाउट नोटोकॉर्ड, विदाउट नोटोकॉर्ड. ठीक है, और जो हमारे कॉर्डेट्स होते हैं, कॉर्डेट्स में ये कहा जाता है कि एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड. ऊपर वाले के एग्जाम्पल क्या है नोटोकॉर्ड वाले का, इसका एग्जाम्पल है पोरीफेरा से लेकर के, पोरीफेरा से लेकर के हमारी एनसीईआरटी कह रही है इकाइनोडर्मेटा.
साइनो जर्मिनेटर, ठीक है। और एनिमल्स विथ कॉर्डेट, जिसके अंदर आपके क्या पाए जाएंगे बेटा, नोटोकॉर्ड पाया जाएगा, ठीक है। ये चीज आप समझ गए। सर ये दोनों डायग्राम बनाने की एक तो ये बना लो, एनसीईआरटी में बना हुआ है ये, देखो ना ये बना हुआ सर, हो गया देखो बना ना, एनसीईआरटी में बना है, देख रहा है ये एनसीईआरटी डायग्राम बना। उसके बाद आपका आता है सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जा रही है। सर्कुलेटरी सिस्टम में आप जानते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम दो टाइप में डिवाइड होता है, एक होता है इसमें ओपन टाइप का, एक होता है इसमें क्लोज टाइप का। ओपन टाइप में आप जानते हैं कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, यहाँ पर जो है ब्लड वेस्कुलर वगैरह का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। There is no involvement of blood vessels. और यहाँ पर blood vessels होती हैं, यहाँ पर blood vessels, ठीक है। इसमें आप कह सकते हैं ओपन वाले में ये लिख सकते हैं, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट, ब्लड इज पम्प्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड सेल्स एंड टिश्यूज एंड cells and tissue are directly bathed in it. For example, आर्थ्रोपोड डायरेक्टली के बाद क्या लिखा है आपने, बाथ मतलब नहाया हुआ, बाथ मोलस इकाइनोडर्म एंड सम लोअर कॉर्डेट लाइक लोअर कॉर्डेट लाइक, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ इसका नाम लाइक ट्यूनिकेट, लाइक ट्यूनिकेट, ट्यूनिकेट क्या है मैं आपको आगे बताऊँ, लाइक ट्यूनिकेट। हो गया बेटा।
अब बात करते हैं बेटा क्लोज साइट की। क्लोज साइट में तो आपको पता है, क्लोज साइट में आपको पाया जाता है हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये सब सारी चीजें पाई जाती हैं। जिससे ये हो गया आपका हार्ट है, ये आपका है। इस ऑर्गन की बात ही अलग है, समझे? तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं बेटा हार्ट की। तो हार्ट है ये आपका सिस्टम का क्लोज वेस्कुलर सिस्टम, क्लोज साइड का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। ये क्लोज साइड की बात करते हैं। क्लोज साइड में क्या होता है कि ब्लड इज सर्कुलेटेड, ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू अ सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ varying diameter. इस बात को समझिए, जैसे आर्टरी है, वेन है, वेन्यूल है, कैपिलरीज है, सबका डायमीटर अलग अलग होता है। मतलब मान लीजिए आपकी आर्टरी है, आर्टरी का डायमीटर कुछ इतना है, जैसे आर्टरी का डायमीटर इतना है, वेन है, वेन का डायमीटर मान लीजिए इतना है, हाँ कैपिलरी है, इसका डायमीटर मान लीजिए इतना है। तो सबका डायमीटर क्या होता है बेटा, फर्क अलग अलग होता है। तो वेरिंग डायमीटर वाले वेसल्स के साथ, वेसल्स कह दिया तो वेसल्स के अंदर आपका आर्टरी, आपका वेन, आपका कैपिलरी, आपका वेन्यूल, आपका आर्टेरियोल सब उसी के अंदर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या कहा मैंने, मैंने कहा कि सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरिंग डायमीटर, ठीक है, वेरिंग डायमीटर आपका वेन आर्टरी ब्लड कैपिलरी समझ में आ गई बात? बेटे जानी क्या करें, हो गया कि नहीं हो गया तो आगे चला। अब यहाँ पर इसका एक आउटलाइन हम दिखा रहे हैं आपको, क्लासिफिकेशन का प्रिंट सर्टिफिकेट। ये निमेलिया आपका मल्टी सेलुलर, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो सेलुलर लेवल पे और टिश्यू ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल। फिर उसके बाद सेलुलर लेवल वाले की कोई सिमेट्री तो है नहीं, क्योंकि सिमेट्रिकल होता है तो फाइलम आएगा, फाइलम पोलिश होगा। टिश्यू ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम वालों में जो सिमेट्री होगी दो टाइप की होगी, एक रेडियो सिमेट्री होगी और एक बायलेटरल सिमेट्री होगी। रेडियो सिमेट्री वाले में दो एनिमल्स आएंगे, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा, ठीक है, सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा। बायलेटरल सिमेट्री वाले में एक के अंदर फिलोम नहीं पाया जाएगा, उसको हम एसिलोमेट कहेंगे, प्लेटियन मेल्फिस। जिनके अंदर सिलोम फॉल्स आ जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, एस हेलमेल्फिस। ट्रू सिलोम जिसके अंदर पाया जाएगा उनको हम क्या बोलेंगे, एमिलिडा ऑर्थोपोडा मोलस्का।
यहाँ पर इकानोडर्माटा के ऊपर एक स्टार लगा हुआ है, डॉट देखिए यहाँ पर लगा हुआ है एक स्टार। यस सर। स्टार लगा हुआ इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यहाँ पर लिखी है, इकानोडर्माटा एग्जिबिट रेडियल और बाइलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज। मैंने बताया था स्टेज की बात सर, यानी कि यहाँ पर इकानोडर्माटा के केस में जो लार्वा होगा, जो लार्वा होगा, लार्वा में बायलेटरल सिमेट्री होती है, मैंने लिखवाया था, और जो एडल्ट होता है, एडल्ट के अंदर पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री होती है, पेंटामेरस रेडियल सिमेट्री। यहाँ पर एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और मोलस्का ये आपके कैसे थे? ये आपके प्रोटोस्टोमस थे, यानी कि ये कैसे थे? साइडोसिमस। और उसके बाद इकानोडर्माटा से लेकर के हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा ये आपके थे ड्यूटेरोस्टोमस, यानी कि ये थे एंटेरोस्टोमस। कल के लेक्चर को पढ़िएगा फिर से समझ में आएगा साइडोसिलस और एंटेरोसिलस क्या होता है, ठीक है? हो गया बेटे? Yes, sir. ये देखिए आपका आता है नेक्स्ट फाइलम पोलिथेरा, पढ़ो कितना दिया हुआ फाइलम पोलिथेरा में, सिर्फ कितना दिया हुआ यहाँ तक। तो कल आप पूरा फाइलम पोलिथेरा, फाइलम सिलेंट्रेटा, और क्या कहेंगे उसके बारे में बता दीजिए, ठीक है? सर मुझे आपसे कुछ पूछना था।